तो नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। तो मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ हरि के द्वार पर। जी हाँ, मैं हरिद्वार में हूँ और हरिद्वार की जो है एक बहुत ही रोमांचक सीरीज जो है वो आने वाली है, हरिद्वार सीरीज। आपने मेरी अमृतसर की जो सीरीज थी, अमृतसर की जो मेरी ट्रिप थी, उनकी वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया और मैं आशा करता हूँ कि हरिद्वार की जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये जो सीरीज लेके आने वाला हूँ, इसको भी आप लोग खूब प्यार देंगे। अगर अभी तक आपने मेरी अमृतसर सीरीज नहीं देखी है तो आप मेरी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अमृतसर सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। शुरू करते हैं फिर हरिद्वार सीरीज। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं फिलहाल हूँ हरिद्वार में और आज ही मैं हरिद्वार आया हूँ। तो आज हम हरिद्वार का एक्सप्लोर करने वाले हैं मार्केट, और आज शाम की आरती जो है वो भी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी, और उसके अलावा खाना पीना जो अभी तक का हमारा रहेगा, और उसके आसपास की जो भी स्ट्रीट फूड रहेगा आज हरिद्वार का, जितना स्ट्रीट फूड रहेगा, कितना हम खा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ट्राई करेंगे आज इस व्लॉग के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो तीन चार दिन के लिए, मैं तीन चार दिन ज़्यादा बोल दिया मैंने, आज और कल का दिन मैं हरिद्वार में ही हूँ और हरिद्वार में हम लोग ट्राई करेंगे स्ट्रीट फूड यहाँ का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए चलते हैं अपनी हरिद्वार की जो है जर्नी स्ट्रीट फूड की, वो शुरू करते हैं। तो ये है जी मार्केट अंदर की, काफी अच्छी मार्केट है। तो अभी हम रुके हैं जी राम भोग फूड्स पे, और यहाँ हम ट्राई करने वाले हैं दाबेली। ये जो दाबेली है, आई थिंक ये महाराष्ट्र में खाया जाता है ज़्यादा। तो वो अंकल जो है अंदर करेंगे तैयार हमारे लिए दाबेली। तो ये आ गई है जी अपनी दाबेली, चलिए इसको करते हैं टेस्ट और बताते हैं आपको इसका टेस्ट कि ये खाने लायक है भी या नहीं। पाव तो मेरे को फ्रेश लग ही रहा है। टेस्ट सही बताऊं तो ठीक है, लेकिन आई थिंक मैंने एक बार मुंबई की दाबली ट्राई की थी, उसके कंपैरिजन में उतनी ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी मेन है ना कि उधर मेन दाबली तो वही मिलती है। टेस्ट वाइज ठीक है, ट्राई कर सकते हो आप लोग। टेस्ट में ठीक थी, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये वो वाली चीज़ थी। थोड़ा सा ही खाया मैंने, से ज़्यादा खाया नहीं गया। तो अभी है मैं जी भगवती छोले भंडार पे, और यहाँ के हम छोले भटूरे जो हैं टेस्ट करेंगे।
यहाँ के जो छोले भटूरे हैं वो वाकई में काफ़ी फूड ब्लॉगर्स ने इसको कवर किया हुआ है, तो हम भी यहाँ का जो है टेस्ट ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे। तो एक ही पीस करवाएंगे क्योंकि ज़्यादा हम लोग खाया नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो पानी है किसी छोलों का पानी है? हाँ जी, छोले का पानी है। आज सुबह का आना, सुबह बस। हाँ बस, अब तो हो गया, हम भी अभी के आए थे। क्या था? एक पीस कर रहे हैं भैया। करते हैं इंतजार। तो ये जी अपने पास आ चुके हैं चने, छोले, सलाद। और ये जो है जी चनों का पानी है, और पहली बार ट्राई करूँगा मैं यहाँ पे, तो मतलब पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ मैं। देखते हैं कि टेस्ट कैसा आएगा। तो लो जी, ये आ चुके अपना भटूरा, और चलिए टेस्ट करते हैं। मेरे को ना इनके चने की जो ग्रेवी है वो बड़ी सही लगी है। जबरदस्त टेस्ट। अरे मुझे भूख लग रही है, तो ऐसा लग रहा है टेस्टी तो है यार। चलिए ये फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ कि हम क्या ट्राई करने वाले हैं। अगर मैं चने के पानी के बारे में बात करूं, तो ये थे जी भगवती के छोले भटूरे जो हमने ट्राई किए। भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सबसे बेस्ट टेस्ट में सबसे सही लगे हैं। मैंने सिर्फ एक ही ट्राई किया क्योंकि ज्यादा खाया नहीं जाता यार। एक भटूरा ट्राई किया और नजारा आ गया। लस्सी वगैरह अभी ट्राई नहीं की है, अभी थोड़ा सा आगे चल के घाट की तरफ चलते हैं और जाते जाते लस्सी भी ट्राई करेंगे। और अगर बाय चांस और कुछ फूड मिलता है रास्ते में खाने पीने के लिए तो वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे टिक्की। टिक्की बहुत अच्छी है, एंड मैंने इनकी टिक्की टेस्ट कराई बिकॉज मैं दही नहीं खाता। तो ये आ गई है टिक्की, तो चलिए करते हैं ट्राई।